हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिकॉज सुबह सुबह एक दुखद चीज़ ये हुई है कि मैं अपने कपड़े नहीं लेके आई हूँ, उधार की पोनी वापस कर, और उधार की एक पोनी भी वापस, कपड़े भी, ये टॉप जो है इन्हीं का पहनना पड़ा मुझे। फाइनली एक लूज टॉप मिला मेरे साइज के हिसाब से, अदरवाइज सारे कपड़े टाइट टाइट थे। अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, और क्योंकि दो जीन्स लेके आई हूँ, ब्लैक वाली भी वहीं रह गई, ब्राउन वाली भी वहीं रह गई। मतलब आप ये देखो कि मैं जॉब कर रही थी और मेरी पैकिंग भी अच्छे से नहीं हो पाई यार, बट कोई बात नहीं, शिवानी के साथ जाते हैं, देखते हैं। वैसे तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, बट फिर भी इक्का दुक्का तो लेना बहुत ज़रूरी है, तो जाती हूँ और देखती हूँ। और अभी छोटे वाले मामा जी के भी घर नहीं गई हूँ, तो आई थिंक वहाँ से वापस आने के बाद ही जाऊँगी, वरना मैं लेट हो जाऊँगी मार्केट के लिए, बिकॉज़ बारिश का भी मौसम हो रहा है। तो बस सबसे पहले वहाँ फ्री करके आती हूँ, थोड़ा सा पेट पूजा करके। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ जीन्स वगैरह कुछ हो तो। जीन्स किस साइड होगी? शिवानी वाली जीन्स कैसी लग रही है? देखिए इसके मैं यहाँ पे बटन स्टाइल है, कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। तो इसलिए मैं ये वाला एक सूट ट्राई करती हूँ, सूट तो नहीं है, काइंड ऑफ ड्रेस है, लेकिन सूट लुक में, तो ये पहन के आती हूँ। देखिए जीन्स के ऊपर ही पहन लिया, कैसा लग रहा है? हाँ वो दो कट में है, लेकिन ये देखना कि अगर मैं विदाउट वो पहनूंगी तो सही लग रहा है? वो विदाउट वाला ही, वो फ्रॉक लुक में ही है, तो अच्छा लग रहा है। एक सामान तो हो गया है, लेने आई थी जीन्स, लेकिन वो जीन्स मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी और मेरे साइज में मिल भी नहीं रही थी। अब जा रही हूँ शूज लेने, जो शूज पहन के आई हूँ वो भी महान है, तो अब शूज लेके आते हैं। हम लोग शूज लेने आए हैं, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स सबके मिल जाते हैं, एंड ही नोज माय मामा जी ऑल्सो, शिवानी मुझे यहाँ पर लेके आई है। देखते हैं अभी भैया ने साइज लिया है, लेके आ रहे हैं वो। मैं कुछ भी तैयारी से नहीं आई हूँ। कोई बात नहीं, आपके पास शूज हैं। वैसे मेरा हर बार पहन के कपड़े पहनने का, पहन के जबरदस्त नहीं, इस तरीके का नहीं, चलो देखती हूँ। नहीं नहीं ये नहीं, कुछ थोड़ा मतलब फैंसी, मतलब थोड़ा फैंसी भी लगे और स्पोर्ट्स भी हो जाए, बट ये कलर, इसमें कोई दूसरा कलर, ऐसे कलर जो मिक्स हो जाए किसी में भी। हाँ मुझे एक समझ आ गया था, अभी हम इनके दूसरे आउटलेट पे आए हैं गगन शूज पे, लेट्स सी यहाँ पे क्या समझ आता है, फिर देखेंगे। अगर यहाँ पे भी नहीं आएगा तो फिर वहीं से ले लेंगे। स्पोर्ट्स शूज आई एम वेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तभी मेरे को इतनी कन्फ्यूजन हो रही है लेने में। शिवानी मुझे एक शॉप पे, तो अभी हम उनकी दूसरी शॉप पे आए, तो यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा ऑप्शन है। आगे जाके देखो ना मिरर में, आपको जो में से कंफर्टेबल कौन सा ज्यादा लग रहा है, जो आपको लग रहा है वो डन कर लो। नहीं दोनों ही वैसे सेम लग रहे हैं पहनने में ना, हल्का सा क्वालिटी में है, वो तो हल्का सा डिजाइन बदल देती कंपनी इतना। दिस वन इज लुकिंग गुड, हां डिसेंट, और मतलब जो मैंने कपड़े रखे हैं उसके हिसाब से सब पे जाएंगे। शूज हो गए हैं हमारे डन, जो भी पहले दिखाए थे हमने वही वाले ले लिए हैं फाइनली। तो शिवानी अब हमें और क्या लेना है? मैं सब कुछ नहीं लेना, बाकी की एक चीज ले ली है जो मैं कैमरे में नहीं बताऊंगी। मैं अपना सामान बोल रही थी, मुझे जो लेना है मुझे भी वहीं से लेना है। हाँ ठीक है, वो लेना है, फिर चिंता सा बाहर का भी खिला देना एक समोसा। बंद करो इसे, बंद करो। शिवानी गई अपने ग्लासेस लेने इधर शॉप से, अभी बस मुझे पजामा एंड टी शर्ट्स लेनी है, तो अभी वो और देखना है, फिर हम लोग चलते हैं आगे अपने घर पे, भी पैकिंग भी करनी है। सॉरी आई एम सो सॉरी। शिवानी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं।
हम लोग आ गए अपनी नानी जी के घर पे। तो नानी मम्मी से वीडियो कॉल करा दूं? मम्मी कह रही थी जाओगे तो वीडियो कॉल करा लेना। हेलो नाना जी, मीट माय नाना जी। नाना जी, नाना जी न्यूज में खोए हुए हैं। और कैसे हो? चलो मस्त। नानी गई है पानी लेने। जी से बातें नानी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मम्मी से बातें चल रही है नानी जी की। उनका फोन खराब था, अभी शिवानी सही कर रही है। सेम डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ा सा। अच्छे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। और नानी, प्यारी सी नानी। हाय बिली। एक और कहाँ है? अरे ये तो चुप गई। एक ही है। एक कहाँ? हेलो, हाय। ये तो मम्मी है इनकी। हाँ, उन्हीं की तरह है। मतलब मम्मी का बेटा है ये। हाँ, मम्मी बेटी है। मम्मी है। मारो तो वो वाला तेज है, उसको मारो तो वो तो पकड़ा ही नहीं। तो कोई उसके तरह नहीं गया, पीलू की तरह। वो जब अपना है उसके तरह नहीं गया कोई। ये सही है, शांत बैठा हुआ, एकदम हिला भी नहीं। तो ऊपर नहीं आते ये लोग? ऊपर घूमते रहते, लेकिन क्या है कि दूसरे आते। अच्छा, वो मारने के लिए छोटे हैं ना अभी ये लोग। ये तो छुप ही गया। ये हमारी नानी जी के घर पे प्यारी प्यारी बिल्लियां हैं। और इनके पेरेंट्स कहाँ पे रह गए अब? मम्मी डैडी खाली काम कर रहे हैं, काम कमाने गए हैं, जॉब पे गए हैं ना। ये क्रश बड़ा नानी, बुलाना उसको। वाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है, मैं तो इसे ले जाऊंगी घर पे। ले जाने? हाँ, मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है ये। नानी बुलाएंगी? नानी जी आप बुलाओ। अरे कोई बुला ले, आने दो आने। अरे डर रहा है। आओ। Getting scared. आओ। आओ। आ जा। आ जा। आए। ओ बताओ। ये देखो इसको, उसके पीछे भागा यार। शर्मा से शर्मा रहे हैं। बाय बाय नानी जी, बाय। मिलते हैं आपसे सीधा बाय 9 तारीख को। जा फिर सीधा राखी पे। ओके चलिए। ये डॉगीज है बाहर, जिसको नाना जी 5 बजे खाना देते हैं। शहर पे 5 बजे नाना जी चले आते हैं खाना लेने, इनके लिए नॉन वेज आते हैं। ये पूरे पूरे मार्केट छोड़ के आते हैं और ये उनके साथ जाते हैं और यहाँ आके वेट करते हैं खाना खाने का। चलो ओके बाय। ऐसे सिक्योरिटी है। मेडिसिन ले। नमस्ते दादी, क्या लेना है हमें? दवाइयाँ नहीं तो वो है ही, और कुछ नहीं? नहीं, बस लूज मोशन की ले रहे हैं। हाँ सर दर्द तो आप लोग मूव वगैरह तो रखी है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, बस यही ले लो। तो अभी हम लोग लेने आए हैं पजामा। हालांकि मैं 2 नाइट सूट्स लेके आई हूँ, बट मुझे पजामा यार पैजामा यू नो पैजामाज ओके, तो वो लेने आई हूँ क्योंकि ट्रेन में मैं सोचू कंफर्टेबल पहन के जाऊँ। तो अब तो इनसे ले लूँगी, इनके कुछ भी बना लूँगी, बाकी देखती हूँ। इन्होंने दिखाया, अभी इसको देखती हूँ क्या लेती हूँ क्या नहीं। फुल टेल प्राइस। फाइनली थोड़ी सी पैकिंग हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ यार कल से आई हुई तो छोटे वाले मामा जी के चलते हैं। एंड ओके, ये है मेरे छोटे मामा जी का घर। अभी आई थिंक फिजी को पैक कर दिया अंदर, तो अब मामी आ रही हैं। नमस्ते मामी, कैसे हो? हाय। बांधी उसको? हाँ बांधी। बस अच्छी हो, आप कैसे हो? हाय शेरू। ये शेरू ये कुछ करेगा? नहीं कुछ नहीं करेगा। अच्छा, बीमार सा लग रहा है। नहीं अब एज भी हो गया ना बहुत ज्यादा।
इसमें हो गई है फिजी बंद। बाकी बच्चे गए। हेलो हेलो बच्चों, हाय, सब लोग कहाँ गायब हो? हाय हाय संजना, शी संजना, बाकी सब कहाँ है? अच्छा वीडियो की वजह से अंदर से हो गए। अच्छा वाओ, आपने ये सेटिंग चेंज कर दी, सही लग रही है ये ना? हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है। और कैसे हो मम्मी? सीरियल चल रहा है, लोगों को इतना हो रहा है, सिर्फ संजना आई है कैमरे के सामने, बाकी काकू तो सो रहा है, एंड सलोरी तो मौसी जी की बेटी का नाम है। सान्या का हो, उसका फीवर हो रहा है, तो वो कह रही है अभी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो आप बाद में बतवा रहा, तो आपको सान्या से बाद में मिलवाएंगे। और अभी आ रही है सिया। हाय सिया, हाय, हाउ आर यू? कटिंग करा ली तुमने? ये सिया वही है जो दीदी के एल्बम में बड़ी छोटी सी थी, क्यूटी सी थी, अभी भी हमारी सबसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची है ये। और कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड। मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ ना, टू इयर्स बाद आ रही हूँ। सर कुछ कहना चाहेंगे आप अपने चैनल के बारे में? आपका भी तो चैनल है? अपनी एक वीडियो भी भेजी है जो डांस की। इधर बताओ सबको कि आपके चैनल का नाम क्या है? उसका नाम है सिया साहू। ओके, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी सिया साहू, तो आप सिया साहू की भी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन सिया ने सिर्फ वन वीडियो डाली है, तो टू वीडियोस ना, वन एक शॉर्ट्स। ओके, वन वीडियो एंड वन शॉर्ट्स। तो और कब बनाने वाले हो? ओह माय गॉड, बिजी। ये चारों ही बच्चे टॉपर्स हैं, तो ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए शी इज क्वाइट बिजी, तभी अपने चैनल पे अपडेट नहीं कर पा रही है ना। बट करेगी, जल्दी करेगी, हाँ एग्जाम्स की बात। ओके चलो बाय जी, हाउ आर यू? पढ़ के आ गए? पढ़ना या पढ़ाना? नो, मैं पढ़ने गया था। सही है। सनी प्लीज, वो हमारे चार्जर रह गया है, हम लोगों ने इतनी अच्छी से पैकिंग करी थी तब भी रह गया, तो प्लीज जाके ले आओ। सुबह के 9 बजे से जो पैकिंग कर रहा है और रात के 9 बज गए, अभी तक पैकिंग नहीं हुई, अब सोचो क्या करें यार। इतना दूर का रास्ता है भाई, भूल जाते हैं हम, इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन वो लैपटॉप बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज वीडियोग्राफी तो करने जा रही हूँ। स्त्री हो, कुछ भी बोल सकती है। लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, वो स्ट्रीट लाइट अकॉर्डिंग टू शिवानी वो स्ट्रीट लाइट है, तो बस उसका कौन सी लाइट है जो तुमने मामा जी को बोला था बेटा स्ट्रीट लाइट है? रिंग लाइट की बात से स्ट्रीट लाइट बोला था कि नहीं? स्ट्रीट लाइट बोला था मैंने। हमारे कानों में बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, आई एम सॉरी। तो हम लोग वो ले रहे हैं और फिर जीता जा रहे हैं स्टेशन। फाइनली पहुंच गए हैं, सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये मैडम भैया जी का वेट कर रही है, वो प्लेटफॉर्म लेने गया है। ओके ओके, एंजॉय, थैंक यू हमारा सामान रखने के लिए। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं, अभी बस ट्रेन का वेट हो रहा है, और उसके बाद हम लोग बैठेंगे, और जो मैंने सोचा था वही हुआ, वही ट्रेन, वही बॉक्स S6 और वही सीट, तो श्योरली आई एम गोइंग टू सी दैट गुटका थिंग अगेन। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू कल, अभी इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए गुड नाइट, बाय।